Hey guys, what's up? My name is Ramneet and you are watching NS Blogs. जैसा कि थंबनेल टाइटल को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ. गाइज, बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं नेपाल जाने का, लेकिन वो सही प्लानिंग नहीं करते हैं. वो किसी भी महीने में जाते हैं और बस ऐसे ही घूम के आ जाते हैं. तो मैं आपको ट्रैवल प्लान बता रहा हूँ. वैसे में मैं सोचा कि चलो यार, नेपाल की जो बेस्ट टाइमिंग होती है, बेस्ट सीज़न होता है, वो कौन सा होता है, उस पर एक वीडियो बनाया जाए. वैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, पूरा उतना डिटेल में नहीं था, लेकिन अगर आप वो देखते हो तो आपको वो थोड़ा समझ में उससे भी आ जाएगा. वो वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा. पहले ये वीडियो आप देख लीजिए और इसको आप समझ लीजिए कैसे आपको जाना है नेपाल में, कौन से टाइम पे जाना है. पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस जल्दी मिल सके. और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स नवनीत सक्सेना. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइज, हर देश का, हर सिटी का, हर राज्य का अपना एक टाइम होता है घूमने का. वैसे ही नेपाल का भी एक टाइम है घूमने का. बहुत सारे लोग होते हैं जो दिसंबर, जनवरी, मार्च महीने, किसी भी महीने में जाते हैं, बोलते हैं कि यार चलो घूम के आते हैं, अभी प्लानिंग कर लिए बस जाते हैं. लेकिन वैसे जाने से फ़ायदा नहीं होता. वैसे तो जाते हैं लेकिन बस ऐसे ही घूम के आते हैं. अगर कहीं पे आप बेस्ट टाइमिंग पे जाते हो तो आपको जैसा बेस्ट टाइम पे मज़ा आएगा ना, वैसा आपको ऐसे किसी महीने में जाने में मज़ा नहीं आएगा. साल में आप दो बार नेपाल घूम सकते हो, दो सीज़न होता है उसका. पहला तो आप मार्च से मई तक आप जा सकते हो, यानी कि अभी चल रहा है दिसंबर, चल रहा है 19 का लास्ट दिसंबर चल रहा है. तो अभी अगर आप जाते हो दिसंबर जनवरी में तो आपको काफ़ी ठंड फील होता है वहाँ पे, बहुत ठंड होगा वहाँ पे, क्योंकि नेपाल का जो हाइट है वो काफ़ी ऊंचा है. ऐसे में वहाँ पे बहुत ठंड होती है. तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम पे जाने का. अगर आप फिर भी न्यू ईयर मनाना चाह रहे हो, अगर जाना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा कपड़े पे एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा. लेकिन अगर आप चाहते हो फुल इंजॉय करना, तो आप, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको मार्च के महीने में जाओ. आपको वहाँ पे फुल विजिबिलिटी होगी, यानी कि माउंटेन्स आपको दिखेंगे, पूर्णा रेंज आपको दिखेंगे, हिमालयाज दिखेंगे. तो मार्च का महीना जो होता है वो बहुत ही गजब होता है. वैसे आप अप्रैल मई तक भी जा सकते हो, लेकिन मई के बाद अगर आप जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि ऊंचाई पे है ज़्यादा, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा होती है. और उसके बाद अप्रैल मई में तो बारिश भी स्टार्ट हो जाती है. ऐसे में लैंडस्लाइड और माउंटेन का जो खिसकना वगैरह होता है, और बाढ़ भी आता है नेपाल में काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे आप फंस सकते हो. तो अप्रैल मई के बाद आप नहीं जाना, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा डेंजरस हो सकता है आपके लिए. तो मार्च से लेकर आप मई तक मैक्सिमम आप जा सकते हो. मई के बाद जो होता है वो वर्षा ऋतु होती है. तो वर्षा ऋतु में आप बादल वगैरह घिरा होता है चारों साइड में, आकाश में, तो आपको उतना विजिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से आप उतना लुफ्त नहीं उठा पाओगे. तो ये तो हो गई साल की शुरुआत में. और अगर आप इस साल में नहीं घूम पाते हो, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं घूम पाते हो, तो आप फिर सितंबर से लेके अक्टूबर तक घूम सकते हो. मैं जब गया था नेपाल तो मैं गया था सितंबर लास्ट को, यानी कि 25 सितंबर को मैं गया था, और 2 अक्टूबर के आसपास मैं वहाँ से रिटर्न आ गया था. 5 दिन का मेरा ट्रैवल प्लान था. वैसे मैंने 5 दिन का ट्रैवल प्लान भी बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो. उसमें आपको फुल बजट मैं बताया हूँ कि कैसे आप 5 दिन 5 से 6 हज़ार रुपये में कैसे आप घूम सकते हो. तो हम बात कर रहे थे सितंबर और अक्टूबर की. तो सितंबर अक्टूबर में भी आप घूम सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बारिश वारिश होता रहता है. तो ऐसे में थोड़ा विजिबिलिटी कम होती है, माउंटेंस कम दिखता है. लेकिन ये महीना घूमने के लिए सही है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है. तो ऐसा ही तो मौसम चाहिए ना घूमने के लिए, ताकि ना आपको थोड़ा गर्मी लगे ना ज़्यादा ठंड लगे. तो बेस्ट सीज़न जो है आपके लिए वो है मार्च, अप्रैल, मई स्टार्टिंग में, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर. नवंबर के बाद मत जाना, क्योंकि बहुत ठंड होती है नेपाल. ये 6 मंथ है घूमने के लिए. आप चूज करो अपने हिसाब से आपके लिए कौन सा ठीक, कौन अच्छा है, कौन सा बेस्ट महीना सही है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो. फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. चैनल पे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लाल कलर के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ आपको जल्दी मिल सके. और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ. तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही. और मेरा, अगर आपने मेरा नेपाल ट्रिप नहीं देखा है, तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियोस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा. सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.